नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। जानकारी के अनुसार आईएएस पूजा की रांची के अलावा मुजफ्फरनगर बिहार के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। रांची में पंचवटी रेसिडेंसी ब्लॉक नंबर 9 चांदनी चौक, हरिओम टावर, नई बिल्डिंग, लालपुर और रांची के पल्स हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है। जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई राम विनोद सिन्हा से जुड़े मामले में हो रही है। पूरा मामला मनरेगा घोटाले से जुड़ा है। राम विनोद खूंटी में जूनियर इंजीनियर थे, तब पूजा सिंगल खूंटी की डीसी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी इस मामले में काउंटर एफिडेविट करे। छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। निशिकांत दुबे ने लिखा, झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक के बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुर्गू व दलालों को कौड़ी के भाव आपटित किया, आखिर उनके यहाँ ईडी का छापा 20 जगह पर चल रहा है। यह छापा रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में जारी है। बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल उद्योग एवं खनन विभाग की सचिव है। आईएएस अधिकारी पर अवैध खनन का आरोप है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।